हेलो गाइस, भूख लगी में आपका स्वागत है। आज बनाने वाले हैं हम मच्छी की सब्जी फिश। हमें सबसे पहले इसको छाछ और हल्दी के पानी से धोना है। हमने इसको धो के रख लिया है। बहुत जने नींबू और हल्दी लगाते हैं, पर हमने आज इसको छाछ और हल्दी के पानी से धोया है ताकि इससे पीस पूरे पूरे रहे, बिखरे ना। अब हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए आओ बताना। हमने प्याज लिए, उसको पीस लिया है। एक टमाटर लिया, उसको भी पीस लिया है। हमने इसमें हरी मिर्ची, लहसुन, लौंग और अदरक को हमने भी पीस लिया है, इसको भी, और हरी मिर्ची काट ली है। लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, नमक, मेथी दाना, तेज पत्ता, दो चार काली मिर्ची, एक बड़ी इलायची और जीरा। आओ बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई रख दी है, उसमें हम तेल डालेंगे। बहुत जने मच्छी फ्राई करके बनाते हैं, हम आज बिना फ्राई करके बनाएंगे। तेल गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे तेज पत्ता, जीरा, काली मिर्ची और बड़ी इलायची। और इसी के साथ हम डालेंगे हम मेथी दाने। मेथी दाने से एक मच्छी में अलग ही टेस्ट आता है। इसको थोड़ा चलाएंगे, फिर हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज पकाएंगे थोड़ी देर। हल्का गुलाबी होने तक पकाएंगे इसको। प्याज हमारे हल्के फ्राई हो चुके हैं, अभी हम इसमें डालेंगे लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक का पेस्ट। इनको फ्राई करेंगे। इनको फ्राई होने देते हैं। ये हमारे लहसुन प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर और नमक। इसी के साथ ऐड करेंगे हम पिसा हुआ टमाटर। फिर पानी डालेंगे हम, पहले टमाटर ऐड करेंगे। थोड़े पकाएंगे। आप मेथी दाना डालते हो बगार के साथ तो उसकी एक अलग ही खुशबू आती है। आप मेथी दाने डाल के बनाए और इसको थोड़े पकाते हैं, फिर पानी ऐड करते हैं। टमाटर डाल के इसको थोड़े पकाया है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इससे अच्छे से मसाले पक जाएं। ये हमने पानी ऐड कर दिया, अब हम इसको मसाला अच्छी तरह से पकाएंगे। ताकि मेथी दाने वगैरह भी अच्छे पक जाए। इसको
हम 5 मिनट ये मसाला पकने देंगे ताकि ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें मच्छी डालेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच, इसे चलाएंगे और अब हम इसमें डालेंगे फिश मच्छी। और इसको हम 5 मिनट के लिए फिर धीमे आंच पर पकाएंगे। हम इसको ढक देते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगे पानी डालने की तो आप हल्का सा गरम करके पानी आप डाल सकते हैं, और आपको नहीं तो आप ना डालें। वैसे ही ये धीमे आंच पे मसाले में पक जाएगी, ठीक है। हम इसको ढक देते हैं और गैस कम कर देते हैं और 5 मिनट के लिए इसको पकाते हैं। ये हमारी मच्छी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें धनिया डालते हैं और इसको प्लेट में निकालते हैं। ये हमारी मच्छी की सब्जी तैयार हो चुकी है। खाएं, बनाएं और सबको खिलाएं। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।